लाइक वो स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सी 2011 प्राइवेट डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, सवाल कुछ ये, वजीर कंपनी परचेज अ मशीन ऑन जुलाई 1 एट अ कॉस्ट ऑफ 4 लाख, इट्स एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू 40,000। अच्छा मशीन जुलाई में खरीदू जनवरी में खरीदू, मशीन जितने यूनिट प्रोड्यूस करेगी उतना ही डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो एस्टिमेट दैट मशीन विल प्रोड्यूस अप्रोक्सीमेटली 40,000 यूनिट्स। तो यहाँ यूनिट प्रोडक्शन मेथड यूज होगा या आउटपुट मेथड जिसे मैं बोल सकता हूँ। ड्यूरिंग द ईयर 2008 30,000 यूनिट्स प्रोड्यूस, 60,000 9 में और 10 में 80,000। कंप्यूटर रिवीजन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड ऑन दिसंबर 31, 2008, 9 एंड 10, 3 साल का निकालेंगे और डेप्रिसिएशन निकालते हैं। ठीक है जी, 8 का, 9 का और 10 का। अच्छा जी, पहले तो आप फॉर्मूला लगाते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन बाय यूजिंग यूनिट प्रोडक्शन मेथड। पर यूनिट ऑप्शन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ इन यूनिट्स। पर यूनिट ऑप्शन कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइड बाय लाइफ इन यूनिट्स। कॉस्ट कितनी है, 4 लाख, ये लिखी हुई 4 लाख कॉस्ट, यहाँ से उठाई मैंने। स्क्रैप कितनी है, 40,000। लाइफ कितनी है, 450,000। 4 लाख माइनस 40 डिवाइडेड 450, तो पर यूनिट आ गया 8 रुपीज पर यूनिट ऑप्शन आया। पहले साल कितने यूनिट चली मशीन, 30,000, फिर 60, फिर 80,000। तो भाई 30,000 मिला 0.8, 24,000, 60,000 मिला 0.8, 48,000 और 80,000 मिला 0.8, 64,000। तीनों को यहाँ लिख दिया, टोटल किया 136,000, आपका टोटल अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। फिर बनाएंगे लेजर जो सवाल की अगली रिक्वायर्ड है। सेट अप द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31, 2008, लेजर बनाना है। डेप्रिसिएशन निकालना है, बी है सेटअप, टी अकाउंट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड अलाउंस डेप्रिसिएशन, इन दोनों के लेजर बनाने हैं। ठीक है, और क्लोजिंग भी करनी है इसकी। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पहले साल है 24,000, यहाँ लिखा 24, एडजस्टिंग में की वजह से एडजस्टिंग में डेबिट हो रहा है और क्लोजिंग में 24 क्रेडिट हो रहा है, टोटल कर लिया। उससे अगले साल 48 से डेबिट है, एडजस्टिंग में और क्लोजिंग में क्रेडिट है, क्या चीज, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, टोटल कर लिया। थर्ड ईयर में 64,000 डेप्रिसिएशन है, एडजस्टिंग में होगा डेबिट, क्लोजिंग में होगा क्रेडिट, टोटल कर लिया। अब आते हैं अलाउंस के लेजर पे। अलाउंस हर साल सिर्फ क्या होता है, क्रेडिट, 24 से क्रेडिट हुआ, दोनों साइड टोटल किया, ऊपर आएगा बैलेंस सीडी 24, नीचे आएगा बैलेंस बीडी 24,000। ठीक है, 9 में कितना निकला, 48,000 डेप्रिसिएशन निकला था, दोनों को ऐड करा 72 हो गया, यहाँ लिखा 72, यहाँ लिखा 72, ऊपर आएगा बैलेंस सीडी और वहां आएगा बैलेंस बीडी। तीसरे साल 64,000 निकला था, तीनों कहाँ से आए, 24, 48 और 64 यहाँ से आ रहे हैं, 24, 48 और 64। तो ये हमने कैसे लिखा, पहले साल 24 क्रेडिट किया, सम अप किया दोनों साइड पे, लिखा 24 बैलेंस सीडी और बीडी, फिर 48 लिखा, ऐड किया 72, 72 पर बैलेंस सीडी 72, नीचे बैलेंस सीडी 72, बैलेंस बीडी 72, फिर 64 साल क्रेडिट हुआ, टोटल कर 136, यहाँ लिखा 136, ऊपर आएगा बैलेंस सीडी 136, नीचे आएगा बैलेंस बीडी 136। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।